हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं पीयूष त्रिवेदी रिव्यू। आज हम बात करने वाले द कश्मीर फाइल्स और अक्षय कुमार की नई फिल्म बच्चन पांडे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले हम बात करते हैं द कश्मीर फाइल्स की। यह फिल्म 11 मार्च को रिलीज हुई थी। उस समय इस फिल्म के पहले दिन का कलेक्शन मात्र 3.5 करोड़ रुपए था। इस फिल्म ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी और इस फिल्म ने 9वें दिन 25 करोड़ की कमाई की है। कश्मीर फाइल्स 9 दिन में कुल 141.25 करोड़ की कमाई की है। बॉक्स ऑफिस पर यह कश्मीर फाइल्स नाम की तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। वह दिन दूर नहीं जब यह फिल्म जल्द ही 200 से 300 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगा। अब बात करते हैं अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे की। तो कश्मीर फाइल्स के कारण बच्चन पांडे फिल्म को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। बच्चन पांडे ने पहले दिन 13.25 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जबकि दूसरे दिन बच्चन पांडे ने मात्र 12 करोड़ की कमाई की है। कश्मीर फाइल्स के कारण बच्चन पांडे को बहुत ही लॉस हो रहा है। 2 दिन में अभी तक बच्चन पांडे ने मात्र 25.25 करोड़ की कमाई की है। अब आगे यह देखना है कि कौन सी फिल्म बाजी मारती है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की सभी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद।